हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम एक और क्लिनिकल इमरजेंसी लेके आए आपके लिए। और क्लिनिकल इमरजेंसी ये है कि किसी पेशेंट को अगर बर्न इंजरी हुई है तो उस सिचुएशन में एज एन नर्सिंग ऑफिसर आपको कौन कौन से प्रायोरिटी एक्शन लेने हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है, आप लेट्स सपोज आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और वहां पे कोई बर्न इंजरी का पेशेंट आता है, यानी कि किसी को बर्न हुआ है, वो चाहे कितने भी डिग्री हो, फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, कौन से भी टाइप का बर्न हो, तो सबसे पहला एक्शन होता है आपका असेस द रेस्पिरेटरी पेटेंसी, यानी कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो बंदा सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, कहीं ट्रेकिया तो उसकी डैमेज नहीं हुई है बर्न की वजह से, कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई अल्ट्रेशन तो नहीं हुआ है। तो पहला एक्शन आपको रेस्पिरेटरी पेटेंसी को चेक करना। दूसरा एक्शन, इसमें दो कंडीशन है, या तो वो सांस ले पा रहा होगा या वो सांस नहीं ले पा रहा होगा, ट्रेकिया वगैरह उसके बर्न हो चुके होंगे या एकदम सही होंगे सांस ले रहे। तो अगर वो सांस ले रहा है तो दूसरा एक्शन आपका होगा स्टार्ट द ऑक्सीजन थेरेपी। दूसरी सिचुएशन आती है, वो बंदा सांस नहीं ले पा रहा है, उसका एयरवे है वो डैमेज हो चुका है, तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को प्रिपेयर करना है इंट्यूबेशन के लिए या फिर ट्रेकियोस्टोमी के लिए। ओके, तो उसके बाद आपने इंट्यूबेशन किया एंड ऑक्सीजन थेरेपी उसके बाद स्टार्ट करोगे, क्योंकि डायरेक्टली तो फेस मास्क लगा दोगे तो उसका ट्रेकिया बर्न हो चुका है, काम नहीं कर रहा है, तो वो सांस ले ही नहीं पाएगा, फिर उस ऑक्सीजन थेरेपी का कोई मीन्स नहीं है, यानी कि उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आप एयरवे की पेटेंट को चेक करोगे, इफ पेटेंट तो स्टार्ट डायरेक्टली फेस मास्क से अपन ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, अगर नहीं है पेटेंसी तो आप उसको ट्रेकिस्टोमी या फिर ईटी ट्यूब डालेंगे और उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करेंगे। तो आपने ऑक्सीजन थेरेपी भी दे दी, पेटेंसी को चेक करके ऑक्सीजन थेरेपी दे दी। नेक्स्ट जो एक्शन आपका होता है वो होता है उसका पेशेंट के वाइटल्स चेक करना। तो वाइटल्स चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे पता चलता है कि पेशेंट की कंडीशन कितनी ज्यादा खराब है या कितनी ज्यादा अच्छी है। और वाइटल्स में आप बीपी, पल्स, SpO2 वगैरह सब देख लेते हैं। नेक्स्ट जो एक्शन आता है, आप उसके IV लाइन स्टार्ट करे हुए, क्योंकि बर्न की वजह से क्या हो जाता है, पेशेंट की जो बॉडी का फ्लूड है वो ज्यादा लॉस हो जाता है और फ्लूड रिप्लेसमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है बर्न की कंडीशन में। तो उसको ध्यान में रखते हुए फोर्थ जो आपका एक्शन होगा IV लाइन स्टार्ट करना, और आप IV फ्लूड स्टार्ट कर दोगे। जो फिफ्थ नंबर पे जो आपको एक्शन लेना है, दैट इज द पेशेंट की जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उनको एलिवेट करेंगे ताकि वेनस ड्रेनेज ज्यादा हो और जो वाइटल जो ऑर्गन है वहां तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर रूप से पहुंच पाए, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। अगर हार्ट, ब्रेन, किडनी वगैरह अच्छे से काम करेंगे तभी तो वो पेशेंट जिंदा रहेगा, तो इसलिए एक्सट्रीमिटी को एलिवेट करना है। अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह है तो नहीं करना है। अब एक्सट्रीमिटीज को भी एलिवेट कर दिया, अब उसके बाद अपने को क्या करना है, उसके बाद अपने को करना है उस पेशेंट को NPO रखना है एंड उस पेशेंट को वार्म रखना है। NPO इसलिए रखना है क्योंकि बर्न की वजह से क्या हो जाता है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो वर्क नहीं कर पाता है, उसके फंक्शन होते हैं वो अल्टर्ड हो जाते हैं, तो वो कुछ भी खाएगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा, बाकी और कंडीशन उसकी सीवियर हो जाएगी, डायरिया वगैरह की कंडीशन हो जाएगी, GERD टाइप की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो उनको रोकने के लिए NPO रखते हैं, पेशेंट को वार्म रखते हैं ताकि पेशेंट है वो हाइपोथर्मिया की कंडीशन में ना चला जाए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इससे क्वेश्चन घुमा के किस तरीके से पूछते हैं वो अपन जान लेते हैं। लेट सपोज कि आपको पूछेंगे, आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, अचानक से कोई बर्न का पेशेंट आया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसमें आपको अलग अलग चीजें देखेंगे, आप उसको ऑक्सीजन देंगे, एयरवे को पेटेंट करेंगे, या फिर उसको फ्लूड रिप्लेसमेंट देंगे, या उसके एक्सट्रीमिटी को एलिवेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज आप उसके रेस्पिरेटरी स्टेटस को क्या करेंगे, उसकी पेटेंसी को चेक करेंगे कि वो सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है। अब उसमें दे देंगे कि पेशेंट सांस नहीं पा रहा है तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे या ATTube डालने के लिए प्रिपेयर करेंगे, ट्रेकिस्टोमी सेट करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है सब पूछ सकते हैं। तो उसमें दे रखेगा प्रिपेयर द ट्रेकिस्टोमी सेट, प्रिपेयर द ऑक्सीजन सिलेंडर, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रिपेयर करने से पहले अपने को ट्रेकिस्टोमी सेट प्रिपेयर करना है, अगर इफ एयरवे नॉट पेटेंट, क्योंकि आप जब तक ट्रेकिस्टोमी नहीं करोगे तब तक आप ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या ही करोगे। तो इस तरीके से सोचना है अपने को कि अपने को पता है कि अपने को पहला एक्शन क्या लेना है, सेकंड एक्शन क्या लेंगे, जो अपन ने पढ़ लिए हैं। तो इस तरीके से आपको घुमा घुमा के कैसे भी पूछ सकता है, तो आपको इस तरीके से सही आंसर आपको पुट करना है और अच्छा स्कोर लेके आना है। आई होप कि आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, बर्न इंजरी से रिलेटेड क्या क्या क्लिनिकल जो एक्शन आपको लेने होते हैं एक एज एन ए गुड नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके के और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।